नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, MI की टीम की ओर से एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, जहां पर दोस्तों मुंबई इंडियंस की टीम ने अपनी जर्सी को बदल दिया है। IPL की मौजूदा चैंपियन टीम मुंबई इंडियंस ने रविवार को सोशल मीडिया पर अपनी नई जर्सी लॉन्च कर दी है। IPL के इतिहास की सबसे कामयाब टीम मुंबई अब तक 4 बार खिताब जीत चुकी है। रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम इस सीजन के लिए भी UAE पहुंच चुकी है। टीम इस बार नए अंदाज में नजर आने वाली है, जिसकी झलक उन्होंने ट्विटर हैंडल पर दिखाई है। उन्होंने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट करके इसकी जानकारी दी है। दोस्तों, MI की टीम ने अलग ही अंदाज में जर्सी को लॉन्च किया है। मुंबई इंडियंस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में सोशल मीडिया पर हाइड्रोमैन के नाम से वायरल हो चुका शख्स जर्सी पहनकर पानी में डांस करते हुए दिखाई दे रहा है। टीम की नई जर्सी नीले और गोल्डन रंग की है। टीम ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि ब्लू गोल्ड डाला रे, इंतजार खत्म हुआ, ड्रीम 11 के साथ ये हमारी नई जर्सी, अभी ऑर्डर करें। तो फाइनली दोस्तों, मुंबई इंडियंस की टीम ने IPL 2020 के नए सीजन के लिए अपनी नई जर्सी को लॉन्च कर दिया है। आप भी देख सकते हो कि जर्सी कितनी अच्छी दिखाई दे रही है। दोस्तों, मुंबई इंडियंस की पूरी टीम ने रविवार से अभ्यास शुरू कर दिया है, जहां रोहित शर्मा बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दिए तो बाकी टीम के खिलाड़ियों ने भी पसीना बहाया है। 10 नवंबर तक चलने वाला IPL के मैच शारजाह, दुबई और अबू धाबी में खेले जाएंगे। हालांकि दोस्तों, BCCI ने अभी तक पूरा कार्यक्रम जारी नहीं किया है। चेन्नई सुपर किंग्स के 2 खिलाड़ी और 11 सदस्यों को कोरोना वायरस हो गया है, इसी वजह से BCCI ने शेड्यूल पर फिलहाल रोक लगाई हुई है। टूर्नामेंट अभी खतरे में नहीं है, लेकिन दोस्तों एक फ्रेंचाइजी COVID-19 हॉटस्पॉट बन रही है, जो धीरे धीरे अन्य टीमों के साथ साथ BCCI के लिए भी एक मुद्दा बन रहा है। ऐसे में फैंस लगातार सवाल कर रहे हैं कि खिलाड़ी कितने सुरक्षित हैं। तो दोस्तों, अब देखना यह होगा कि IPL 2020 का पूरा कार्यक्रम BCCI कब तक जारी कर देती है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।